नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं योजना दिसंबर महीने की समरी का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने दिसंबर महीने पे पहला पार्ट अपलोड किया था, उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जो दिसंबर महीने की योजना मैगजीन थी उसकी बेस थीम है कंज्यूमर अवेयरनेस। तो कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड हमने दो आर्टिकल्स को डिस्कस किया था कि कंज्यूमर अवेयरनेस की क्या जरूरत है, प्लस इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमने देखा था कि जो हमारा वेदास है, वेदास का जो अथर्व वेदा है, इवन उसमें भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर बात की गई है। प्लस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने भी अभी रिसेंटली अपनी एक स्पीच में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर बोला था, जिससे हमें पता चलता है कि ये इश्यू कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी बैकग्राउंड के साथ हम लोग ये वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो योजना मैगजीन की मैं समरी के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, ये सिर्फ यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उन सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होगा। ये मेरा योजना मैगजीन के ऊपर 20 सेकंड वीडियो है और ये दिसंबर महीने की समरी के ऊपर है दोस्तों। यहां से आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों। मेरा नाम है आलू गुप्ता एंड दिस इज द रेस्ट अबाउट मी, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, पहले तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था कि इसका क्या बैकग्राउंड है, मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, किन किन लोगों को हम कंज्यूमर कह सकते हैं, किन लोगों को कंज्यूमर नहीं कह सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या होता है और फिर कंज्यूमर अवेयरनेस की क्या नीड है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसके बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद मैंने आपको पहले दो आर्टिकल बताए थे। सबसे पहला आर्टिकल था कि हाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द गुड गवर्नेंस, और दूसरा आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसका जेनेसिस क्या है, ओरिजिन क्या है। तो हम लोगों ने उसमें बात की थी कि जो क्या कहते हैं 15th वाली डेट होती है उसको कंज्यूमर डे के तौर पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 15th मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इसका जो जेनेसिस है वो यूएसए से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोगों ने इंडिया में देखा कि इसके से रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड इंडिया में क्या क्या किया जा रहा है। प्लस अभी जैसे कि हमने बताया था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया है 2018, जिसमें कुछ अच्छे प्रोविजंस हैं, और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसको रिप्लेस किया जा रहा है। आज के लेक्चर में हम इन दो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, कीपिंग पेस विद टेक्नोलॉजिकल डायनामिक्स एंड कंज्यूमर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल सर्विसेज। अलोंग विद दिस मैं एक और आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर दी लो इनकम इंडिविजुअल्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बैकग्राउंड के साथ। जस्टिस डिलीवरी टू दी लो इनकम कंज्यूमर्स, मतलब ऐसे कोई कंज्यूमर्स जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम होती है, तो उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसी चीजें कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें फीस चार्ज होती है, राइट। प्लस ये प्रोसेस जो होती है वो काफी लेंथी भी होती है। इन्हीं कारणों को लेते हुए जो लो इनकम कंज्यूमर्स हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, तो इनके लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होता है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम एक तरीके से क्या है, जो हमारा फॉर्मल सिस्टम होता है, जुडिशियल सिस्टम होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 3 लेवल पे फॉरम्स बनाए गए हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, और इनकी कुछ लिमिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कोई भी केस ले जा सकते हो 20 लाख तक का, फिर 20 से 1 करोड़ तक का स्टेट लेवल पे लेके जा सकते हो 1 करोड़ तक का, और 1 करोड़ से ऊपर तक का कोई भी केस है, कॉम्पनसेशन इंक्लूड है, तो उसमें आपको नेशनल लेवल में जाना होगा। लेकिन उस चीज का क्या कि जो केसेस बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, जैसे 5,000-10,000 रुपए वाले, तो उस केस में क्या होगा, तो उन चीजों से डील करने के लिए इनफॉर्मल सिस्टम को भी डेवलप किया गया है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी चीजें हम समझेंगे। पहली बात तो ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होता क्या है, ये ऐसे कोई भी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए होता है जिसमें लिटिगेशन फाइल नहीं करते। लिटिगेशन का मतलब कि आप कोर्ट में नहीं ले जाते हो केस को, बाहर ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में 5 ऐसी मैकेनिज्म्स हैं जो आती हैं, जो आप इस वाली स्क्रीन पे भी देख सकते थे, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशंस, मीडिएशन एंड कोलैबोरेटिव लॉ। तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये प्रोसेस क्यों फायदेमंद है या फिर ये क्यों यूजफुल है फॉर दी लो इनकम यूजर्स के लिए।
क्योंकि ये तो लेस कॉस्टली होती है और प्लस मोर स्पीडी एक्सपीडिशियस होती है, मतलब ज्यादा तेज होती है, ज्यादा जल्दी केसेस को रिजोल्व किया जा सकता है। प्लस इसमें कैसे भी केसेस को जाकर रिजोल्व किया जा सकता है, जैसे लेबर डिस्प्यूट हो गए, डिवोर्स एक्शन रिलेटेड केसेस हो गए या इंजरी क्लेम्स हो गए। इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो जैसे कि आपको पता होगा हमारी ज्यूडिशियरी में जो लो लेवल ज्यूडिशियरी है उसमें तो करीब करीब क्या कहते हैं 2.5 से 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस सेम क्या कहते हैं हाई कोर्ट्स में और सेम क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या कहते हैं अगर ज्यूडिशियरी में हम केसेस को लेके जाते हैं तो काफी दिक्कत होती है और जस्टिस जो होती है वो काफी डिले हो जाती है। तो इसीलिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को डेवलप करने की काफी जरूरत थी। इवन जो एडीआर मैकेनिज्म है वो एक ये बात तो हो ही गई, उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है जिसमें डीपीएसपीज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें भी ऐसा कहा गया है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया जस्ट अ मिनट जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सारे सिटीजन्स को जस्टिस प्रोवाइड करवाए और वो भी क्या कहते हैं स्पीडी हो और नॉन कॉस्टली टाइप की हो। टाइप्स ऑफ एडीआर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एडीआर होते हैं उसमें 5 मैकेनिज्म होती हैं, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, negotiations, mediation and collaborative law। इनका मतलब क्या होता है, वैसे तो इसका क्वेश्चन में आने के चांसेस कम है लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है मीन्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि अदर देन दी फॉर्मल ज्यूडिशियल सिस्टम व्हाट आर दी alternative ways of accessing justice। तो आप बोल सकते हो ADR सिस्टम होता है, उसके अंदर ये mechanism होती है और आप उनके ऊपर एक एक लाइन लिख सकते हो। देखो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, इसमें एक न्यूट्रल आर्बिटर आता है, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर आता है, सॉरी जस्ट मिनट मैं इसको क्लोज कर देता हूं। हाँ आर्बिट्रेटर आता है जो कि डिसीजन देता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो दोनों पार्टीज होती हैं वो जाती हैं, मान लो एक पार्टी है जो एक्यूज कर रही है किसी को और दूसरी जो है वो विक्टिम है, तो एक एक्यूज हो गया विक्टिम हो गया, अब ये दोनों ही किसी न्यूट्रल आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं और उनको अपना केस बताते हैं। तो इसकी एक प्रायर कंडीशन ये है कि दोनों को ये चीज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और इसके बाद जो ये डिसीजन होता है वो आप उसके खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते हो। इसमें कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है वो कम्युनिकेट करती है, मतलब वो इसमें बताती है कि आपको कैसे क्या रिजोल्व करना है। नेगोशिएशंस में इसमें क्या होता है, ये ट्रेडिशनल मेथड है सबसे पहली बात तो, और इसमें क्या कहते हैं कोई न्यूट्रल थर्ड पार्टी नहीं होती है नेगोशिएशंस में, मतलब नेगोशिएशन में सिर्फ 2 पार्टियां होती हैं वो आपस में नेगोशिएट करती हैं और कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। मीडिएशन में क्या होता है, ये काफी फ्लेक्सिबल प्रोसेस है और ये जब डिस्प्यूट हो रहा हो ना, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लिटिगेशन चल रहा हो या फिर क्या कहते हैं और कहीं पे भी क्या कहते हैं केस चल रहा हो, तो उसमें क्या करते हैं कि इसमें वो जाते हैं और दोनों से बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ऐसी ऐसी टर्म्स ऑफ कंडीशंस पे मान जाइए और केस को रिजोल्व कर लीजिए, तो इसको बोलते हैं मीडिएशन। और सिमिलरली कोलैबोरेटिव लॉ, इसमें क्या होती है दोनों पार्टियां एग्री करती हैं कि वो लिटिगेशन फाइलिंग करेंगे और कुछ बेस लाइंस के बेसिस पे ही केस को रिजोल्व कर लेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये होते हैं हमारे 5 एडीआरस। तो अब इसी के साथ हम अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कीपिंग पेस विद टेक्नोलॉजिकल डायनामिक्स। पहले सबसे पहले इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी बेस मतलब यानी क्रक्स बता देता हूं कि इसमें क्या है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि आज हम देख रहे हैं हमारा जो क्या कहते हैं इकोनॉमी है वो एक पैराडाइम शिफ्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें डिजिटलाइज होती जा रही है और डिजिटलाइज होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा पर्सनल डेटा हो या फिर जो हमारा इवन बिजनेस डेटा हो प्रोफेशनल डेटा हो वो काफी हद तक डिजिटल यू नो प्लेटफॉर्म पे आता जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेसी वगैरह से रिलेटेड इश्यूज हो गए या फिर आपने सुना होगा फ्रॉड रिलेटेड इश्यूज हो गए कि आपका यू नो बैंक डिटेल्स किसी ने चोरी कर ली है या फिर आपका आधार का डेटा चोरी कर लिया है। तो ऐसे केसेस में अब जब चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं तो उस चीज में क्या कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, अगर आप क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करना चाहते हो कंज्यूमर के राइट्स या इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो हमें जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजिकल डायनामिक्स के साथ एकदम पैरिटी मेंटेन करें, उनके साथ साथ चलें, सो दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन हर्ट ना हो किसी भी तरीके से। अब जैसे कि इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या बोला जाता है कंज्यूमर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, ये हर कंज्यूमर का मतलब यू नो इनहेरेंट राइट है कि टू एक्सेप्ट अ सेफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एंड फेयर ट्रीटमेंट व्हाइल फाइंडिंग द सॉल्यूशन इफ थिंग्स गो रॉन्ग। तो ये एक तरीके से इनहेरेंट राइट है कि उन्हें अच्छे से अच्छे क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज मिले और फेयर ट्रीटमेंट मिले। तो इसीलिए हर कंट्री का एक तरीके से ये काम होता है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी को इस तरीके से फॉर्मुलेट करे कि जिससे एथिकल बिजनेस तो प्रमोट हो ही हो और साथ साथ जितनी भी अब्यूसिव बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, मतलब इस तरीके की पॉलिसी कि बिजनेस जो हो रहा है
वो एथिकल हो और एब्यूसिव प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट किया जा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो डेवलप करे, प्रोवाइड और मेंटेन करे इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल कि हर जगह पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी हो, राइट, इंटरनेट कनेक्शन हो, सो दैट उनके पास चॉइसेस हो, प्लस वो प्रोडक्ट्स को अवेल कर सकें, प्लस उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तो हुई हो, उसके बाद जो प्रोटेक्शन पॉलिसी मेजर्स है वो भी अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो वो अच्छी तरीके से एफिशिएंटली इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा हो, प्लस जो पॉलिसी मेजर्स है उनको भी फॉलो किया जा रहा हो ताकि सबका फायदा हो सके और जो वल्नरेबल सेक्शन है स्पेशली जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंच सके। सो दिस इज व्हाट इट इज सेड इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ डिजिटल वर्ल्ड की, जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था कि जो डिजिटल बैकग्राउंड है उसमें क्या हो रहा है, डिजिटल मीडियम्स का काफी यूज हो रहा है, प्लस मोबाइल ट्रांजैक्शंस का काफी यूज हो रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर की लाइफ काफी चेंज हो गई है। एक्सेस और अवेलेबिलिटी तो काफी बढ़ गई है कि मतलब अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अच्छी खासी चॉइसेस मिल रही हैं, प्लस वो काफी चीप रेट्स में भी मिल रही हैं। लेकिन इन सब के लिए क्या जरूरी है, इन सब के लिए जरूरी है कि जो अफोर्डेबल कंसिस्टेंट एंड गुड क्वालिटी का ब्रॉडबैंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, सो दैट इस चीज का फायदा हर सेक्शन को इक्वली मिल सके। आज के टाइम पे अगर देखा जाए कि ये फैक्ट है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 40% इंटरनेट को यूज करता है और इसीलिए फोकस होना चाहिए एक्सेस एंड इंक्लूजन पे, क्योंकि सिर्फ 100 में से 40 लोग ही इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं, तो बचे हुए 60 लोग हैं ना उनके पास ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए एक्सेसिबिलिटी है और ना वो उनको अवेल कर पाते हैं। वो अवेल कब कर पाएंगे, जब आप 100% ब्रॉडबैंड कनेक्शन हर किसी को प्रोवाइड करो। तो अब कंज्यूमर परसेप्शन एंड रियलिटी क्या है, कंज्यूमर के पास सबसे पहली बात तो क्लियर नॉलेज होनी चाहिए कि जो उसका पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, चाहे फिर वो जब वो मोबाइल की सिम खरीदता है या फिर आधार का डेटा वो अपने मतलब आधार कार्ड बनवाता है या फिर और भी किसी भी तरीके से वो अपने डेटा को जब प्रोवाइड करता है किसी थर्ड पार्टी को, तो सबसे पहले तो उसका जो उसे इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि जो उसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो सिर्फ पर्पज जिस पर्पज के लिए कलेक्ट किया जा रहा है उसी के लिए यूज हो रहा है। और क्या कहते हैं, अगर और उसके पास इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर वो एक बार अपना डेटा किसी भी थर्ड पार्टी को दे रहा है तो उसके क्या इंप्लीकेशंस है, मतलब उसका क्या मिसयूज हो सकता है, और अगर ऐसा कोई मिसयूज हो रहा है तो कुछ इफेक्टिव मेथड्स होने चाहिए ताकि जो भी उससे एसोसिएटेड रिस्क है उसको कंट्रोल किया जा सके और मिटिगेट किया जा सके। सो दिस इज द परसेप्शन एंड रियलिटी। अगली बात ये बोली जाती है कि आज डिजिटल इकोनॉमी के जब हम एरा में रह रहे हैं तो उस टाइम पे डाटा ट्रांसमिशन को अवॉइड करना ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप मोबाइल की सिम ना लें, ये पॉसिबल नहीं है आप बैंक अकाउंट डिजिटली ना खुलवाएं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप डिजिटल पेमेंट्स ना यूज करें, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आप इस तरीके के किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अवॉइड कर सको। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते तो बेस्ट बात क्या है कि कंज्यूमर के पास इतना कंट्रोल हो कि वो अपने पर्सनल डेटा फ्लो पे को कंट्रोल कर सके प्लस प्राइवेसी के प्रेफरेंसेस दे सके। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कंपनी उसका डेटा ले रही है तो उसका इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो बोल सके कंपनी को कि मेरा डेटा जो आपने लिया है वो सिर्फ सेट पर्पस, जो भी आपने आउटलाइन या जो भी पर्पस बताया सिर्फ उसी के लिए यूज हो और किसी भी तरीके का मिसयूज ना हो सके, प्लस उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन की जा सके। तो इसके लिए क्या चाहिए कि रेगुलेटर इंश्योर करे, जितने भी रेगुलेटर है, फॉर एग्जांपल सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, है ना, या फिर और भी जैसे आधार के लिए यूआईडीआई अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो अथॉरिटी है, रेगुलेटर है, तो वो ये इंश्योर करें कि जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, ट्रांसमिट की जा रही है, उसके लिए हाईएस्ट रेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्लस स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जा रही है और कंपनी को फोर्स किया जा रहा है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें सो दैट किसी भी तरीके की डेटा की क्या कहते हैं लीकेज ना हो सके, डेटा लीकेज को रोका जा सके और डेटा मिसयूज को रोका जा सके। कंज्यूमर रीड्रेस में क्या बोला जाता है, अगर मान लीजिए किसी भी ऐसे इवेंट में जिसमें उनका डेटा मिसयूज होता है, लीकेज होता है या किसी भी तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो उसके बाद कंज्यूमर के पास इजी एक्सेस टू रीड्रेस होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसे तरीके होने चाहिए जिसकी वजह से जो भी नुकसान उसे हुआ है तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन या कुछ ना कुछ बेटरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। एंड जो राइट्स हैं डिजिटल मीडियम में वो एट पार होने चाहिए जैसे कि कॉमर्स के फॉर्म्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैंने बताया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या आपको रिड्रेसल के तौर पे चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला है तो आप उसके लिए रिफंड ले सकते हो या फिर उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर डिजिटल मीडियम में अगर किसी भी टाइप का राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उस केस में अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म होनी चाहिए।
प्लस इंटरनेशनल जो पॉलिसीज है ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर पे उनको भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। जैसे कि आप जानते हो आज आप गूगल वगैरह यूज करते हो, ठीक है ना, तो जब आप गूगल में कुछ भी चीज को कुछ भी अपनी डेटा को डालते हो या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को वहां पे इनपुट करते हो तो ये डेटा एक्सचेंज हो जाता है, आपका सीधा कहां पहुंचता है, यूएसए वगैरह दूसरी कंट्रीज में पहुंचता है। तो ये कंपनीज इस डेटा को मिसयूज ना कर सके, क्या जरूरी है कि जो इंटरनेशनल पॉलिसी है ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर पे उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके और जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं उनको हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। इसके बाद ये बोला जाता है कि एक और जो जरूरी बात है अदर देन दी रिड्रेसल, ये तो तब हो गया कि जब एक तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, आपका आपके जो राइट्स हैं उनका वॉयलेशन हो गया, लेकिन उससे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग एज अ क्यूरेटिव मेजर कि आप कंज्यूमर को एम्पावर करो और उनका ट्रस्ट बिल्ड करो सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्रोसेसेस को अपनाए। जैसे डाटा ब्रीच हो गया या जो पर्सनल डेटा या रिकॉर्ड्स का जो स्टील हो जाते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स चोरी हो जाती है, ईमेल एड्रेस को लोग चोरी कर लेते हैं और हैक कर लेते हैं आपका कंप्यूटर, ऑनलाइन अकाउंट आइडेंटिटीज को हैक कर लेते हैं, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस तो होता ही होता है प्लस आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है। तो इन चीजों के लिए पर्सनल सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हमें क्या जरूरी है कि कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं ताकि कंज्यूमर के मेजर जो कंज्यूमर को एम्पावर किया जा सके और उनका ट्रस्ट बिल्डअप किया जा सके। और एक और स्पेशल बात बोली जाती है जैसे वल्नरेबल सेक्शन में आ गया जो हमारे बच्चे हैं, मतलब जो चिल्ड्रन कंज्यूमर्स हैं उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके ऑनलाइन रिस्क के थ्रू। रेगुलेटर को इसके लिए क्या करना चाहिए, एक तो उनकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए अबाउट दी ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्लस कंपनीज को भी सेफ एंड सिक्योर सिस्टम को यूज करना चाहिए सो दैट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके, एम्पावर किया जा सके। उसके अलावा और क्या जरूरत है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो नॉर्म्स हैं उनको अपहोल्ड किया जाए और जो कंज्यूमर्स हैं उनको फेयरली ट्रीट किया जाए, प्लस कॉर्पोरेट कल्चर और फंडामेंटल जो गवर्नेंस के फंडामेंटल्स हैं उनको भी एम्पावर या स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। रेगुलेटरी पॉलिसी लेजिस्लेशन शुड बी एज सच की कंपनी जो एडवर्स मेथड्स को यूज करती हैं उनको ना करें। इट इज वाइटल दैट द डिजिटल प्रोडक्ट कंपनीज फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रोवाइड सेल सिक्योरिटी अपडेट्स प्लस फुली कॉम्पनसेट इन केस ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो, चाहे फिर वो कंपनीज हो, चाहे फिर वो डिजिटल एनवायरमेंट पे कोई भी रेगुलेटर्स हैं उनके काम हो गए, तो इन सभी को मिलकर ऐसे तरीके अपनाने चाहिए सो दैट कंज्यूमर अवेयरनेस काफी क्रिएट हो सके, कंज्यूमर को एम्पावर किया जा सके और प्लस एक तरीके का ट्रस्ट बिल्डअप किया जा सके। तो इस टाइप के एनवायरमेंट की क्रिएट करने की काफी जरूरत है। कंक्लूजन में ये बोला जाता है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट डिजिटल सिस्टम में बनाना काफी जरूरत है सो दैट सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जैसे कि आज आपको पता होगा कि जो सब्सिडीज है वो क्या कहते हैं डिजिटली ट्रांसफर की जाती है थ्रू द मीडियम ऑफ अजेम जन आधार मोबाइल जो ट्रिनिटी है उस चीज को यूज करते हुए आज सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्डअप किया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि जो कंज्यूमर के ऑनलाइन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनकी अटोनमी को अपहोल्ड किया जा रहा है और पर्सनल फ्रीडम का किसी भी तरीके से वॉयलेशन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कोलैबोरेशन की जरूरत है, चाहे फिर गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेसेस हो, प्लस कंज्यूमर लॉस और रेगुलेशंस को भी टेक्नोलॉजिकल डायनामिक्स के साथ पेस में रहने की जरूरत है, मतलब वो एक साथ साथ चलें इसकी काफी जरूरत है। तो इट इज इंपेरेटिव टू एंगेज एड्रेस एंड रिजॉल्व द क्रिटिकल इश्यूज विद अटमोस्ट अर्जेंसी। तो इसी के साथ दोस्तों ये आर्टिकल समाप्त होता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, मतलब मेन जो मैंने आपको क्रक्स बताया कि क्या कहते हैं जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लॉस पॉलिसी आ रही हैं तो वो काफी जरूरी है कि उनमें डिजिटल प्लेटफॉर्म या जो डिजिटल रिलेटेड एस्पेक्ट है उनका भी ध्यान रखा जाए प्लस सारे स्टेक होल्डर को साथ में काम किया जाए। तो ये सारे के बारे में दिया हुआ था मेनली। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर लॉ एंड रेगुलेशन इन प्रेजेंट डिजिटल एरा टू इंश्योर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आपको ये बताना है कि जो कंज्यूमर लॉ रेगुलेशन है आज के टाइम पे डिजिटल के एरा में तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स में आ सकता है तो ये हम देखते हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग द कंज्यूमर इन न्यू मार्केट फॉर द साउथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज वॉज हेल्ड ऑन 26-27 अक्टूबर 2017 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर, ठीक है, कहां पे दिल्ली में हुई थी 2017 अक्टूबर में। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं आपको, उनको चेक करना है वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। तो एक तो कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइंस का, फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर इन इंश्योरिंग मोर इफेक्टिव एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड प्रोटेक्शन एफर्ट्स इन ऑल दी कंट्रीज एंड अक्रॉस ऑल दी कॉमर्स एरियाज ऑफ कॉमर्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा
प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट इन अ डिजिटल कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स, ये बात भी सही है। और कंज्यूमर एजुकेशन इज पैरामाउंट टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ इसका आंसर हो जाता है डी, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप चिंता मत कीजिए, जो ये यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, इसको मैं आने वाले लेक्चर्स आने वाली स्लाइड्स में कवर करूंगा, तो वहां पे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। प्लस ऐसा बोला जाता है कि जो डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में अगर कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन और एनफोर्समेंट की जरूरत है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, विच इज ऑन दी कंज्यूमर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, यानी कैसी, जो बैंकिंग हो गया, या फिर आप जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हो, राइट, या फिर आपका क्या हो गया कि किसी भी तरीके के आप ई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जैसे पेटीएम वगैरह है, तो इन सब चीजों को आप यूज कर रहे हो, या फिर आप जो गवर्नमेंट सब्सिडीज को डिसबर्स कर रही है, तो किसी ना किसी तरीके से आप फाइनेंशियली लिंक्ड हो डिजिटल वर्ल्ड से। तो अब ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, तो उसमें कंज्यूमर का इंक्लूजन करवाना और फिर उनकी वहां पे राइट्स और उनके जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना, हाउ दे आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात की है। तो पहली बात, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, चाहे फिर इंडिविजुअल हो या किसी भी तरीके का बिजनेस हो, उसको यूजफुल एंड अफोर्डेबल हाउसफुल फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाए और सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जैसे कि ट्रांजैक्शन हो सके, पेमेंट हो जाए, या फिर सेविंग्स कर सको आप, क्रेडिट या इंश्योरेंस को अवेल कर सको। तो ये कोई भी चीज जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनको एक्सेस कर सको, उनको एक्सेस कर सको, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे पहली प्रीरिक्विजिट है वो क्या है, ट्रांजैक्शन अकाउंट, सो दैट आप सबसे पहले तो मनी को स्टोर कर सको, सेंड कर सको और रिसीव कर सको। उसके अलावा ट्रांजैक्शन अकाउंट एक तरीके से गेटवे होता है फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हो गई, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट अवेल करना हो गया, लोन अवेल करना हो गया, राइट, या फिर और भी किसी तरीके का ट्रेड करना हो गया, तो वो सारी फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है। तो ट्रांजैक्शन जो अकाउंट होता है वो सबसे पहली बात गेटवे होता है, और इवन जो वर्ल्ड बैंक का यूनिवर्सल फाइनेंशियल एक्सेस 2020 इनिशिएटिव है, उसका भी यही फोकस है कि हर एक पीपल, जो दुनिया में कोई भी एक आदमी है, तो उस कोई भी एक पर्सन है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन अकाउंट प्रोवाइड किया जा सके। याद रखना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक यूनिवर्सल फाइनेंशियल एक्सेस 2020 इनिशिएटिव है, तो इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड द ट्रांजैक्शन अकाउंट टू ईच एंड एवरी पर्सन इन अ ग्लोब, राइट। व्हाई फाइनेंशियल अवेयरनेस इज नीडेड, अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस क्यों जरूरी है, तो आपको पता होगा जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, एंड फॉर दी लिटरेट एज वेल एज इलिटरेट, इट इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड दोस क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व। इसीलिए ये काफी जरूरी है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस को प्रमोट किया जा सके और फाइनेंशियल लिटरेसी को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके। तो अब इसके लिए ये बोला जाता है कि क्या कहते हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज के कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कंज्यूमर लॉ है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो इसके लिए बात है, यस, सबके लिए है। और वो कौन से लेजिस्लेशन है, सेक्टोरल लेजिस्लेशन है। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस सेक्टर से डील करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया है जो, ठीक है ना, तो उसके अलग लॉज चलते हैं। प्लस फिर क्या कहते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड करने के लिए अलग लॉज है। उसके अलावा क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल कंपनी से डील करने के लिए अलग लॉज है। तो सेक्टोरल लेजिस्लेशन है फॉर दी फाइनेंशियल कंज्यूमर्स। अब इश्यूज क्या है इस चीज में, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज के जो कंज्यूमर्स हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज क्या है। सबसे पहला इश्यू तो ये हो गया कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी डिफिकल्ट होती है टू अंडरस्टैंड। फाइनेंशियल लिटरेसी को इंप्रूव करने की जरूरत है, उसके लिए क्या है, मल्टी स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क बनाने की काफी जरूरत है। प्लस मार्केट डिसिप्लिन की भी काफी जरूरत है, सो दैट कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। प्लस कंज्यूमर को एम्पावर करने की और एजुकेट करने की जरूरत है, सो दैट वो अपने ओपिनियंस को भी बता सके, है ना, मार्केट में। प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी एक्टिवली ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की जरूरत है जहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्ट फील करे, और गवर्नमेंट को भी अपने ओवरसाइट और एनफोर्समेंट को एनहेंस करना होगा, सो दैट कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को वायलेट ना किया जा सके। सो दीज आर दी डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू दी कंज्यूमर इंक्लूजन। मतलब कंज्यूमर इंक्लूजन में क्या क्या दिक्कतें हैं, कंज्यूमर की एजुकेशन हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, मार्केट डिसिप्लिन को एनहेंस करने की बात हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या कहते हैं अपने आप को चार्ज अप करने की जरूरत है, प्लस गवर्नमेंट को भी अपने आप को क्या कहते हैं स्ट्रेंथन और करने की जरूरत है, और प्लस अपने आप को वो करने की जरूरत है, इन्फोर्स करने की जरूरत है। सॉरी, अब चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। अब कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज, वैसे तो मैं आपको एक बार बता ही चुका था, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए, जैसे पेमेंट करना हो गया, बोरोइंग हो गई, सेविंग हो गई, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज में।
अब इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा आर्टिकल था योजना मैगजीन में, उसमें क्या कहा गया है। उसमें यह बोला गया है कि सबसे पहले तो जो यूएन गाइडलाइंस है फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो एक तरीके से वैल्यूएबल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं ताकि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन से डील कर सकें, चाहे फिर इंस्टीट्यूशन से डील कर सके और रिड्रेसल मैकेनिज्म से डील कर सके। मतलब जो यूएन गाइडलाइंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, उसमें इन तीनों एस्पेक्ट के बारे में बात की गई है। कंज्यूमर के प्रोटेक्ट करने के लॉज के बारे में बात की गई है, इन्फोर्समेंट एजेंसी, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर इंडस्ट्री हो, बिजनेसेस हो, तो इन सब के बारे में बात की गई है। प्लस रिड्रेसल मैकेनिज्म की, अगर मान लीजिए कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है तो उस केस में कि रिड्रेस करने के लिए जो उनका कॉम्पनसेशन वगैरह होगा तो उसको कैसे एक्सेस किया जाए और कैसे रीड्रेस किया जाए। प्लस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है वो काफी जरूरी होता है अगर आप अपने मार्केट को, जो मार्केट है फाइनेंशियल सर्विसेज को, अगर उसको वेल फंक्शन करवाना चाहते हो। इसके लिए क्या जरूरी है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बना रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। सो दीज आर दी फोर फैक्टर विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट दी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। कंज्यूमर एजुकेशन में ये बोला जाता है अगर आप कंज्यूमर को एम्पावर करना चाहते हो तो उनको ये जानना जरूरी है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके ऑब्लिगेशंस क्या हैं और वो उनको कैसे डिफेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया कंज्यूमर के एम्पावरमेंट के लिए। उसके अलावा ये बोला जाता है कि कंज्यूमर एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है, मतलब कंज्यूमर एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो, मतलब जो कंज्यूमर के को एजुकेट करने का काम करें, फॉर एग्जांपल चाहे फिर वो बिजनेस एंटिटीज या एंटरप्राइजेस हो, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हो, अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो या मीडिया हाउसेज हो, तो ये चारों जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अच्छा काम कर सकते हैं फॉर द कंज्यूमर एजुकेशन के लिए, उनके राइट्स के बारे में बताने के लिए, उनकी ऑब्लिगेशंस के बारे में बताने के लिए। कंज्यूमर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐसा बोला जाता है, तो सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सेपरेट कंज्यूमर लॉ की जरूरत है फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स एरिया होती है और जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बैंक हो गया, सीएस हो गए आपके, है ना, एजेंट्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, एडवाइजर्स हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए, तो इतने सारे स्टेक होल्डर हैं, काफी कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो अप्रोप्रिएट कंट्रोल और इंश्योरेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देयर शुड बी अप्रोप्रिएट कंट्रोल एज वेल एज इंश्योरेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट दी कंज्यूमर एसेट्स इंक्लूडिंग डिपॉजिट। तो ये काफी जरूरी है कि ऐसे कुछ मैकेनिज्म हम डेवलप करें ताकि कंज्यूमर जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। आरबीआई, अब इसी मतलब जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वेदर देयर इज अ नीड ऑफ अ सेपरेट कंज्यूमर, मतलब सेपरेट लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इन अ फाइनेंशियल सर्विस, तो उसी में हम बात कर रहे हैं कि देखो जरूरत है या नहीं है, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें बताई जा रही हैं। जैसे आरबीआई है वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लेइंग डाउन दी ब्रॉड पॉलिसी विद रिगार्ड टू दी इंटरेस्ट रेट, चार्जेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ दी कस्टमर्स के रिलेटेड। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात बोली जाए तो उसमें बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, जैसे कि बैंक रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड कंपनी से रिलेटेड, इंश्योरेंस कंपनी, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, स्टॉक ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंक्लूजन कम्स पर्टिकुलरली इन दी रूरल एरिया, जो रूरल एरिया है वहां पे इंक्लूजन की बात सबसे बड़ी, सबसे पहले आती है, जहां पे वेरिंग लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है और वेरिंग लेवल ऑफ इंक्लूजन है। तो इसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए और इसी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए बैंक अकाउंट को ओपन करवाने के लिए क्या किया गया था, एक प्रोग्राम चलाया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके अंदर कम से कम साढ़े तीन करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं और उनको क्या कहते हैं, एक तरीके से मेन स्ट्रीम करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए ये प्रोग्राम रन किया गया था। ये अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ था इन फॉर ओपनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंक अकाउंट इन वन ईयर। हैसल फ्री डीबीटी ट्रांसफर हो सके विदाउट मिडलमैन, उसके लिए भी इंक्लूजन काफी जरूरी है। कंक्लूजन में ऐसा बोला जाता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनसे हमें पता चलता है कि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज शोज दी पुअर वेज आउट ऑफ दी पॉवर्टी, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप किसी भी पुअर को प्रोवाइड करते हो तो वो एक तो पॉवर्टी से बाहर निकलता है और उसकी लाइफ भी बेटर हो जाती है, और वेल्दी के लिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी का काम करती है। तो एक तरफ तो ये टूल का काम कर रही है और दूसरा क्या कहते हैं, ये पुअर को पॉवर्टी से बाहर भी निकालती है। तो बट इट डिपेंड्स अपॉन दी गुड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन विद स्पीडी रीड्रेसल ऑफ दी ग्रीवांसेस।
अब क्वेश्चन उठता है सबसे पहला कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एरिया है विद न्यूमरस प्लेयर लाइक बैंक सीएस एजेंट ब्रोकर्स एडवाइजर एंड इंटरमीडियरीज. तो व्हाट इज द नीड ऑफ अ सेपरेट कंज्यूमर लॉ फॉर दी फाइनेंशियल सर्विस. तो अब आपसे इसमें यह पूछा जा रहा है, पहले आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि जो ये फाइनेंशियल सर्विस है वो काफी कॉम्प्लेक्स एरिया है और उसमें काफी प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो अब आपको ये बताना है कि क्या सेपरेट कंज्यूमर लॉ की जरूरत है. तो आप बोलोगे एज इट इज सेड इन अ स्टेटमेंट दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स एरिया टू अंडरस्टैंड एज वेल एज देयर आर न्यूमरस प्लेयर आर इन्वॉल्व. सो इन ऑर्डर टू एक्सर्ट क्या कहते हैं कंट्रोल ओवर दीज प्लेयर्स एज वेल एज दी लॉज एंड लेजिस्लेशन एंड टू एम्पावर दी कंज्यूमर इन दी फाइनेंशियल सर्विस एज वेल एज टू क्या कहते हैं to meet the expectations of the less literate financial consumer, it is required to have the separate consumer law. But फिर आप बोलोगे बट देर आर दी सेक्टोरल लेजिस्लेशंस भी प्रेजेंट है विच प्रोवाइड दी क्या कहते हैं सेक्टर स्पेसिफिक रीड्रेसल मैकेनिज्म एज वेल एज सेक्टर स्पेसिफिक राइट्स एज वेल एज ऑब्लिगेशंस. तो आप फिर इस तरीके से इस आंसर को लिखोगे. आगे चलते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये इस स्लाइड में मैंने इंक्लूड किया है यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइंस फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2016. ठीक है, तो ये क्या गाइडलाइन थी कि ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो भी मेंबर स्टेट है उनको एस्टेब्लिश और इंकरेज करने की जरूरत है. क्या चीज? एक तो रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट पॉलिसी, मतलब एक पॉलिसी बनाई जाए, ओवरसाइट बॉडीज बनाई जाए, प्लस एप्रोप्रिएट कंट्रोल और इंश्योरेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जा सके सो दैट कंज्यूमर के एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. फाइनेंशियल एजुकेशन को इंप्रूव करना एज वेल एज फेयर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर. ठीक है, ये एक और नीड है. जो बिजनेस कंडक्ट है उसको भी रिस्पॉन्सिबल बनाने की जरूरत है, प्लस जो कंज्यूमर का फाइनेंशियल डेटा है उसके ऊपर भी प्रॉपर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होने की जरूरत है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो ये सारी चीजें हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2016 यूनाइटेड नेशन में बोला गया है. वैसे तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आना काफी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, लेकिन स्टिल मैंने सोचा आपको एक बार बता दूं क्योंकि इसका अटरेंस बार बार हो रहा था आपके आर्टिकल में. तो ये आप याद रखना, इसमें बॉडीज हो गई, लॉ हो गया, या फिर क्या कहते हैं मैकेनिज्म्स हो गए, एजुकेशन की बात हो गई, केस का इजी एंड क्विक डिस्पोजल की बात हो गई, बिजनेस कंडक्ट के ऊपर इसमें बोला गया है, डेटा के ऊपर बोला गया है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर बोला गया है. तो ये सारी चीजों के बारे में इसमें बोला गया है. आप बाकी का इसमें से पढ़ सकते हैं इन डिटेल. तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा. अगर जैसा भी आपका रिस्पांस है आप उसको रजिस्टर कर सकते हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके. प्लस अगर आप मेरे लेक्चर को मिस नहीं करना चाहते तो आप बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए. प्लस अगर आपको कोई भी डाउट आता है, क्वेरी आती है, तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं state01990@gmail.com पे. प्लस दोस्तों मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ कलीग्स के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों का भी इससे फायदा हो सके. राइट, तो आप इसको शेयर करना मत भूलिए. प्लस शेयर करने से एक और चीज होती है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे वीडियोस जो हैं आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं. ठीक है दोस्तों, और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन. दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.